हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम सीएसवी फाइल क्रिएट करें पाइथन के अंदर। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं, लिखते हैं पाइथन। तो जैसे ही पाइथन टाइप करेंगे तो हमने आइडियली डाउनलोड कर रखी है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। आइडियली का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर आकर के और ये फाइल जो दिख रही है इस पर क्लिक करना है आपको। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू क्यों कहा जाता है, इसको अभी आपके बाद समझ में आएगी, ठीक है। अगर आपको ये फाइल यूज करनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा इम्पोर्ट CSV। क्या लिखना है? इम्पोर्ट CSV लिखना है, फिर एंटर करके नीचे आना है। अब यहाँ पर एक हम समझिए CSV फाइल के लिए हम यहाँ पर एक बनाएंगे ए नाम से। तो ए नाम से बना लिया। अब एक तरह से ये समझिए नेस्टेड लिस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया, अब एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे तो नीचे आएंगे। अब नीचे जो है यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर फ्रूट्स की लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, ठीक है, और डब्ल्यू कॉमा को क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया। फिर दूसरा जो लिस्ट है यहाँ पर, मतलब दूसरा जो ये है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं एम ए एन जी ओ मैंगो लिख लेते हैं, फ्रूट का नाम एम ए एन जी ओ। तो ये हो गया मैंगो। तो एक हो गया ऑरेंज, दूसरा हो गया मैंगो। अब एंटर करते हैं। अब इसी के अंदर एक और लिस्ट, ठीक है, इज अ नेशनल, यहां पर इज नेशनल फूड एन ए टी आई ओ एन ए एल नेशनल फ्रूट एफ आर यू आई टी ऑफ इंडिया आई एन डी आई ए, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और अब डब्ल्यूटेड कॉमा को क्लोज किया और क्लोज करके क्या करेंगे, क्लोज करके फिर यहां पर इसको बंद करेंगे। एक चीज ध्यान देनी है आपको कि इसमें भी आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इज दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे नीचे कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे डब्ल्यूटेड कॉमा को ओपन कर देते हैं, ठीक है। यानी इसमें भी हमने दो चीजें करी हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। अब एंटर करके नीचे आते हैं। अब जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम देंगे फाइल नेम, कोई भी एक बना लेंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं फाइल नेम के नाम से। ये लिख लिया फाइल एफ आई एल ई फाइल एन ए एम ई नेम इज इक्वल टू करेंगे, और इज इक्वल टू करके यहां पर इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं। जैसे जो भी नाम देंगे ना उसको आपको याद रखना होगा, ये आपको भूलना नहीं है कि आपने क्या नाम दे रखा है, ठीक है। अगर भूल जाएंगे तो फिर आप सीएसवी फाइल को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो आपको दिक्कत होगी। तो आप जो भी नाम दीजिएगा वो नाम याद रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहां पर इसको फ्रूट दे देते हैं नाम, क्या दे देते हैं फ्रूट। तो एक इसको कहीं नोट भी कर लीजिएगा कि आप क्या नाम दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने फ्रूट दिया है तो एफ आर यू आई टी यही स्पेलिंग हम लिखेंगे यहां पर। तो यहां पर टाइप कर देता हूं एफ आर डब्ल्यूटेड कॉमा में लिखेंगे एफ आर यू आई टी फ्रूट डॉट सी एस बी, ये लिख दिया, ठीक है, और डब्ल्यूटेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। अब एंटर करके नीचे आते हैं। अब यहां पर कुछ फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। जैसे यहां पर यूज करेंगे विथ ओपन, ठीक है। विथ ओपन क्यों, क्योंकि विथ ओपन पाइथन में एक ऐसा फंक्शन है कि जो भी फंक्शन ओपन होता है उसे क्लोज भी करना पड़ता है, लेकिन विथ ओपन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम ओपन करके क्लोज ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर चूंकि हमने बनाया है ऊपर फाइल नेम नाम से, तो ये फाइल नेम हमने कर दिया, ठीक है। अब फिर यहां पर कॉमा देते हैं और यहां पर डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू किस लिए, क्योंकि राइट, ठीक है, राइट के लिए डब्ल्यू लिखते हैं। और यहां पर हम कहेंगे न्यू लाइन, क्या कहेंगे, न्यू लाइन, और न्यू लाइन क्या करेंगे तो यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, ठीक है, ये स्पेस ही है। और अब इसको बंद करके और यहाँ पे एज सी एस वी फाइल, क्या करेंगे, एज सी एस वी फाइल, और ये करके क्या करना है आपको, कॉलन लगाना है, ये है कॉलन, क्या है, कॉलन है। अब एंटर करके नीचे आइए। अब यहाँ पे यूज करेंगे सी एस वी राइटर, क्या लिखेंगे, सी एस वी राइटर, ठीक है, इज इक्वल टू सी एस वी, ये हो गया सी एस वी, ठीक है। और फिर क्या क्या लिखेंगे, डॉट राइटर, डब्ल्यू आर आई टी आर सी एस वी डॉट राइटर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ओपन करके क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे सी एस वी फाइल, क्या लिखेंगे, सी एस वी फाइल, ठीक है। अब ये सी एस वी फाइल हो गया। अब एंटर करके नीचे आते हैं। अब यहां पे क्या लिखते हैं, फिर वही सी एस वी राइटर, ठीक है, सी एस वी राइटर, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब यहां पे देख लीजिए बिल्कुल यही कोड आपको लिख करके एंटर करके नीचे आना है। नीचे आकर के फिर यहां लिखना है सी एस वी राइटर, क्या लिखना है, सी एस वी राइटर, और फिर यहां पर डॉट लगाइएगा और फिर यहां लिखिएगा राइट रोज, क्या लिखना है आपको, राइट रोज, यानी फंक्शन यूज करना है राइट रोज,
और यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेगा, क्योंकि ये लिस्ट जो बनाई है हमने, ये जो CSV फाइल में बना रहा हूं, उसका नाम हमने रखा है A, यानी A के अंदर ये सारी CSV फाइल की चीजें स्टोर करी हैं, और CSV फाइल का नाम रखा है हमने fruit.csv, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इस CSV फाइल का नाम हमने रखा है fruit.csv, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि जब आप पूरी कोडिंग कर लेते हैं, बना लेते हैं फाइल को, तो आप ये जो ऊपर पाइथन में, जैसे मैंने इसे सेव कर दिया है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे सेव किया है 4timed नाम से, ठीक है, तो 4timed.py, अब मैंने इस नाम से सेव किया तो मैं इसी नाम से सर्च करना शुरू कर देता हूँ, नहीं इस नाम से सर्च नहीं करना है, हमें किस नाम से सर्च करना है, fruit.csv के नाम से सर्च करना है, ठीक है ना, ये भी चीज ध्यान देने वाली है। अब यहाँ पर क्या करना है, ए लिख देना है, क्योंकि लिस्ट हमारी ए ही नाम से बनी हुई है, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे, अब एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे करवाएंगे प्रिंट, प्रिंट लिखा हमने, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोग्राम एक्सीक्यूटेड सक्सेसफुली, SUCCESFULLY, तो ये हो गया प्रोग्राम एक्सीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये लिख दिया हमने, ब्रैकेट को डबल कॉमा को क्लोज करके ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया, तो ये आपका पूरा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। अब करना क्या है, इसको F5 करके एक बार रन करा लेते हैं, चला लेते हैं, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रोग्राम एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली, अब सक्सेसफुली की स्पेलिंग गलत हो गई है, यू छूट गया है, यहाँ पे यू भी कर लेते हैं, यू लिख लेते हैं, अब इसको फिर से चला देते हैं, तो ये चला दिया हमने। अब इसमें देख सकते हैं क्या क्या चीजें आई हैं, ऑरेंज के साथ आएगा इज नेशनल, ठीक है, और मैंगो के साथ आएगा फ्रूट ऑफ इंडिया, यानी ये चीजें आएंगी एक साथ, माने ऑरेंज और नेशनल, इज नेशनल ये एक साथ आएगा, और मैंगो और फ्रूट ऑफ इंडिया ये एक साथ आएगा, लेकिन फाइल का क्या नाम है, csv.fruit.csv, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं इस पाथ पर, ये देख रहे हैं, ये देखिए C, यूजर्स, सूरज और वन ड्राइव, तो पहले चलना है C में, तो यहां से जाते हैं और यहां पर देखिए C ड्राइव कहां पे है, ये C ड्राइव है, ठीक है, फिर यूजर्स में चलना है, तो ये यूजर्स है और फिर सूरज है, और फिर यहां पे वन ड्राइव हमें सर्च करना है, देखिए वन ड्राइव कहां पे आता है, तो ये वन ड्राइव है, डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, और ओपन होने के बाद क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करना है, और जैसे ही डबल क्लिक करते हैं ये भी ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये क्या दिया गया है, यहाँ पर नीचे आते हैं थोड़ा सा, डॉक्यूमेंट में 4timed है, लेकिन हमारे फाइल का नाम क्या है, fruit.csv, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे FRUIT, ठीक है, देखिए fruit.csv आ रहा है ना, अब इसको हम ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो गया, और ये एक्सेल में ओपन हुआ, लेकिन आप सोचते होंगे कि देखिए ये ज्यादा ही जूम हो गया, यहां पर इसे छोटा करता हूं मैं थोड़ा सा, देखिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये, लेकिन इसमें कहीं भी कॉमा का जिक्र नहीं है, जबकि सीएसवी का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, लेकिन इसमें तो कहीं कॉमा है ही नहीं, तो फिर कैसा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कैसी फाइल, तो अब आपको दिखाता हूं, इसको मैं क्लोज करता हूं और इसको ओपन करता हूं नोटपैड पर, तो यही फाइल जब मैं नोटपैड पे ओपन करूंगा तो आपको दिखेगा कि ये कॉमा लगा करके लिखी गई फाइल आपको दिखेगी, ठीक है, ऑरेंज कॉमा मैंगो है, इज नेशनल कॉमा फ्रूट ऑफ इंडिया है, इसीलिए इसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के नाम से जाना जाता है, और ये वे है, ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप, जिस तरीके से आप वो सीएसवी फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि सीएसवी फाइल कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।